ये गाइडेड मेडिटेशन और अफर्मेशन आप सुबह के वक्त करें। सुबह के वक्त जब आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त आपकी ईगो कमजोर होती है, आप अपने ज्यादा करीब होते हैं। जागने के फौरन बाद सारे थॉट्स, सारे मसले भी आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त को आप रूहानी बेदारी के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सुबह उठते साथ ही खुद को माजी की मेमोरी में गुम करना शुरू कर देते हैं। रात की नींद के दौरान जो ईगो का गैप हमें मिलता है वही एक्चुअली हमें रिफ्रेश करता है। लेकिन दिन का थोड़ा सा हिस्सा ही गुजारने के बाद हम खुद को उलझाने का सफर शुरू कर देते हैं। रात ढलते तक हम अपनी ईगो को इतना फैला देते हैं कि खुद हमसे हमारा बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब नेचर मुदाखलत करती है और हमारे बोझलपन को हल्का करने का मौका देती है। सुबह का वक्त एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत का वक्त होता है और बेहतरीन मौका होता है कि आप अपने साथ बैठें और खुद से कुछ अहद करें। जिंदगी को बगैर यादों के पर्दों के देखें। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मेडिटेशन गुरु हैं वो एक ही बात करते हैं कि सुबह के वक्त की मेडिटेशन सबसे अहम है। सो आइए हम मेडिटेशन का आगाज करते हैं। किसी खामोश और ऐसी जगह पर पुरसकून अंदाज में बैठ जाएं, जहां कोई भी मुदाखलत ना कर सके। तीन चार लंबी और गहरी सांसें लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब मेरी आवाज़ को सुनें और इसके साथ साथ चलते जाएं। इस आवाज़ को अपने अंदर एंटर होने दें। ये पल, ये सुबह, ये नया दिन एक नई जिंदगी के साथ आया है। खुशबख्ती की सारी अलामतें इस पल में मौजूद हैं, क्योंकि खुशबख्ती जिंदगी का नाम है और ये पल जिंदगी की हरारत से झूम रहा है। ये तुम्हारे मुर्दा माजी से अलग पल है। जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है। ये पल तुम्हारे मुस्तकबिल को लाने वाली कोई सीढ़ी नहीं है, ये पल खुद अपनी मंजिल है। इस पल का तुम्हारे माजी से, तुम्हारे मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं है। माजी और मुस्तकबिल मुर्दा लम्हे हैं। इन लम्हों में तुम जा सकते हो न जी सकते हो। तुम सिर्फ इस पल में जी सकते हो और इसी पल में जा सकते हो। तुम माजी नहीं हो, तुम ये पल हो। ये पल के जो जिंदगी से भरा है। आज को आज के दिन की तरह जीना है। अपने माजी को हरगिज इजाजत नहीं देनी कि वो तुम्हारा आज का दिन चुरा सके। अपने मुस्तकबिल को इतनी अहमियत ना दो कि वो तुमसे ये जिंदा पल छीन सके। ये पल हीरा है, गुजरा पल
और आने वाले पल कोयले हैं, हीरे को कोयलों पर कुर्बान मत करो। ये दिन एक नया सफर है, नए हौसले नए तजर्बे को मौका दो कि वो तुम्हारी जिंदगी को छुए। ये पल वो नुक्ता आगाज है जिसकी मंजिल है आज का दिन। आज पूरे दिन जो भी तुम करोगे, सोचोगे, महसूस करोगे, उसका फैसला इस पल में होना है। इस पल में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये पल उम्मीद का दिया है, इस दिन इसे दिन भर बुझने ना दो। इस पल में तुम मासूम हो, जिंदा हो। अपनी मासूमियत, अपने जिंदापन को किसी भी कीमत पर ना खोने का अहद करो। फैसला करो कि आज के दिन को पूरा जियोगे, भरपूर जियोगे। खुद से अहद करो कि आज के दिन में छुपे जो जिंदगी के रंग हैं, जो जिंदगी के तजर्बे हैं, जो जिंदापन है, उसके एक एक जर्रे को तुम जियोगे। खुद से अहद करो कि तुम बाहर की जिंदगी को जीते हुए अपने अंदर की दुनिया से बेखबर नहीं रहोगे। बाहर अहम है मगर सतही है, आरजी है, झील की सतह पर मौजूद लहरों का नाम है ये बाहर की दुनिया, तुम्हारे मादे की दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड, तुम्हारी हकीकत मगर तुम्हारे अंदर की दुनिया है। झील की तह हो तुम, लहरें नजर आती हैं मगर होती नहीं है। लहरों की नेचर को तय करता है झील का स्टिल पानी। अगर तुम्हारी जिंदगी के झील के पानियों में गुस्सा है तो लहरें भी वैसी होंगी। झील के पानी में मोहब्बत है तो लहरें भी उसी की अक्कासी करेंगी। तुम लहरों को देखो, जियो, सुनो, समझो, डील करो, मगर कभी झील की तह से मत कटो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे अंदर बरपा हो रही है, तुम्हारे बाहर नहीं। तुम्हारे अंदर जो मकाम है जिसे तुम रूह कहते हो, उसको बेदार रखो, उसको मत सोने दो, उसको मत बेहोश होने दो। इस जिस्म में तुम्हारा कयाम एक मौका है, एक मौका कि मैं अपने अंदर के दिए को जलाऊंगा, एक मौका कि मैं ख्वाब ही नहीं रहूंगा, हकीकत बनूंगा, एक मौका कि मैं अपने बातिन में मौजूद रूह को, शऊर को ज्यादा से ज्यादा रोशनी में लाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी का तजर्बा मेंटल नहीं, जिस्मानी नहीं, रूहानी है, और तजर्बा जागे हूं को होता है, सोए हूं के तो ख्वाब होते हैं। अगर जिंदगी रूहानी तजर्बा है तो तुम्हारी रूह की बेदारी बुनियादी शर्त है। मेरे साथ मिलकर अहद करो। मैं अहद करता हूं कि मैं अपने बातिन के दिए को रोशन रखूंगा। मैं फैसला करता हूं कि बाहर की दुनिया में जो भी हो हो, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तुम्हारे बाहर की दुनिया पर बहुत से अवामिल कार फरमा हैं, बहुत से एलिमेंट उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए बाहर कभी किसी से कंट्रोल हुआ है ना तुमसे होगा। हाँ, अंदर की सारी दुनिया
तुम्हारे कंट्रोल में है। इस पर लोगों का बस चला भी है और आपका बस भी चल सकता है। इस दुनिया से कटकर मत जीना, अपनी रूह से कटकर मत जीना, अपने आप से कटकर मत जीना। मैं खुद से अहद करता हूँ कि आज का अपना दिन पूरी शिद्दत से मैं ऐसे जीऊँगा कि मेरे अंदर का दिया रोशन रहेगा और मैं ज़िंदगी को उसके हकीकी रंगों में खुली आँखों से देखूँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं होश से जीऊँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं आज का पूरा दिन कॉन्शियसली जीऊँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं जो भी छोटे से छोटा काम आज दिन में करूँगा, अपना पूरा फोकस उसी पर रखूँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपना आज का दिन माजी और मुस्तकबिल से आज़ाद गुजारूँगा। मैं अहद करता हूँ कि मैं आज का दिन जीऊँगा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ जीऊँगा और जागते हुए जीऊँगा, कॉन्शियसली जीऊँगा। अब आप जितनी भी देर इन थॉट्स के साथ खामोश बैठ सकते हैं बैठे रहें, और उसके बाद इस मेडिटेशन से बाहर निकल आएं।